नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। मुरादाबाद में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने की प्रेस वार्ता, कहा डिलारी में स्वास्थ्य मेले का किया शुभारंभ और 34 सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। सोमवार को दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सदस्य जफर इस्लाम ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया, बिलारी में आयोजित स्वास्थ्य मेला का शुभारंभ किया और सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम कर रही है। उन्होंने नगर निगम के 34 सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जन जन तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए दिलारी में आयोजित ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। राज्यसभा सदस्य जफर इस्लाम ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। मेले में स्वास्थ्य सेवाएं सहित विकास, खेलकूद, बाल विकास, परियोजना एवं बेसिक शिक्षा सहित आदि विभागों के स्टॉल लगाए गए। श्याम को वह नगर निगम टाउन हॉल पहुंचे, जहां सभागार में उन्होंने निगम के 34 सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की पहल पर देश भर में स्वस्थ और को प्राथमिकता दी गई है। कहा, बिना भेदभाव हर वर्ग के लिए काम कर रही है भाजपा सरकार। इस दौरान महापौर विनोद अग्रवाल, भाजपा महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, ओमी लाल वाल्मीकि, मोहम्मद अली वारसी आदि मौजूद रहे। लेकिन दिल्ली के धांगे पूरे हो, चाहे मध्य प्रदेश का के में हो, इस सारे जगह तो किसी न किसी देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ समाज में एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, हम उसी एंटी सोशल एलिमेंट्स की धर पकड़ कर कोई आम नागरिक से जो जो बिल्कुल मासूम लोग हैं उनसे कोई लेना तो खुद ही की सुरक्षा के लिए चलता है। कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा जरूर हो जिससे समाज में फ्रिक्शन हो, समाज में आपस में लड़ाई हो, कॉमनल वायलेंस हो, ऐसा कुछ लोग चाहते हैं। हमारी सरकार की कोशिश है और यही कोशिश रहेगी कि ऐसे अपराधियों को, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, किसी समाज से भी बिलोंग करता हो, किसी कम्युनिटी से भी, किसी में भी आस्था रखते हो, उसको हमारी सरकार नहीं बख्शेगी, सख्ती से निपटेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि बिल्कुल सौहार्द का माहौल हो, आपस में भाईचारा हो और कोई भी कम्युनल वायलेंस नहीं हो। इसके लिए हमारी सरकार ने बहुत साफ रखने, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी बराबर कहा है कि हम जो ऐसे लोग हैं जो समाज में गुंडागर्दी करते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, कहने के विचार रखते हैं, ऐसे लोगों के साथ हम सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के लिए आज हम जो जितने सफाई कर्मचारी हैं उनको नगर निगम में हमने उनको सम्मानित करने का फैसला लिया था। उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको सरकार एक्नॉलेज करती है कि उनके उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से आज हम स्वच्छ भारत बनाने में कामयाब हो रहे हैं। जो इनिशिएटिव सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ली थी वो आज साकार बनाने में इनका बड़ा योगदान है। यही जो है ऐसे लोग हैं जो इनको हमारे योद्धा है और यही हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर हैं स्वच्छ भारत के, और इस मिशन को कामयाब बनाने में उनका सहयोग मिला, उनका पूरा साथ मिला। तो हमने नगर निगम ऑफिस में ये फैसला लेते हैं कि हम उनको सम्मानित करेंगे, उनको सर्टिफिकेट देंगे, उनके जो उनका धन्यवाद करेंगे और उनको सम्मानित भी करेंगे। आज के कार्यक्रम में उनको सम्मानित किया गया। साथ साथ हमने और भी ऐसे समाज से जुड़े हुए जो और पखवाड़ा से जुड़े हुए जो भी काम हो रहे हैं उसका भी मुआयना किया और उस पर भी जो जमीन तक जाके लोगों तक जितने हमारे स्कीम पहुँची है उसका उसको उसका मुआयना भी किया और उसमें और कैसे तेजी से ले जाया जाए समाज के सभी वर्ग को साथ लेकर उसको उसको भी हमने जनता दिया। हमारी तो सरकार की मंशा है और कोशिश है कि हम बिना भेदभाव के हर समाज के हर वर्ग को, हर नागरिक को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं और उसके लिए जो भी सरकारी निदान से सरकारी इनिशिएटिव से हम जो सरकार कर रही है उसको घर घर तक पहुँचाने का काम हम सभी लोग को जिम्मेदारी दे के ही, चाहे वो पार्टी का कार्यकर्ता हो या वो सांसद हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, वो जिला अध्यक्ष हो, हर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जिम्मेदारी दी गई है कि वो घर घर तक इस स्कीम को पहुँचाए ताकि
अगर किसी के घर में नल से जल नहीं आ रहा है तो उसकी पेशकश करें, क्योंकि हमारी सरकार की कोशिश है 2024 तक हर घर में नल से जल आना चाहिए, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती वहाँ इलेक्ट्रिसिटी घर तक पहुँचनी चाहिए, जहाँ और कुछ असुविधा है वो उस असुविधा को खत्म करने की कोशिश की जाए। इसलिए कि सरकार की जवाबदारी, प्रधानमंत्री की सोच है, वो सोच है कि इस देश पूरा उनका परिवार है, नागरिक कोई मजबूत होता है कोई कमज़ोर होता है, मजबूत तो अपनी ज़िंदगी खुद से आराम से गुजार लेता है, लेकिन जो कमज़ोर होता है उसको कहीं ना कहीं सरकारी सहायता की जरूरत होती है, और उसी सहायता को देने के लिए सरकार के और पार्टी दोनों के रिप्रेजेंटेटिव जो है उनका दामन थामले और उनके हाथ को मजबूती से पकड़े, ताकि उनको मजबूत बनाने में का काम करे। और इसी कर प्रक्रिया में आज मैं यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने भी कई प्रोग्राम में साथ दिया हमारा, और ये प्रोग्राम जो है 20 तारीख तक चलता रहेगा। हर मिनिस्टर रेवन मिनिस्ट्री का काम होगा, रेवन मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो है जो इनिशिएटिव लिए है वो उसका जो है एक सेलिब्रेशन दिवस होगा जो लाभार्थियों के साथ होगा, उसके बाद उसका जो आम नागरिक को फायदा उनके साथ होगा, और उनकी समस्याओं को भी सुनने का मौका मिलता है, तब उनसे फीडबैक आता है और सरकार तक हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ताकि उन जो मंशा है हमारी जो इंटेंशन है कि उनका जिंदगी बेहतर बने, उसमें और कुछ अगर सुधार कर करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी बराबर इस बात के तैयार होते हैं कि कोई भी फीडबैक हो जिससे एक आम आदमी को एक आम नागरिक को उसकी जिंदगी बेहतर हो, तो उसको हम करने की हमारी सरकार कोशिश करेगी।